तो है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी साहिल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, स्पाइडरमैन नो वे फॉर होम का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है सोनी पिक्चर इंडिया पर। हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड इंग्लिश में लॉन्च हो चुका है। तो मैं आपके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी दूंगा इसके बारे में, पर इससे पहले आप कुछ इसके बचपना देख लो। मतलब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड में आपको ट्विस्ट मिला था कि पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, पर आज सोनी पिक्चर इंडिया ने स्पाइडरमैन नो वे होम को ट्रेलर को लॉन्च करके हमें सब क्लियरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है। मूवी 17 दिसंबर 2021 को ट्रेलर देख के बहुत सारे राज खुलने हैं, बहुत सारे सस्पेंस क्लियर होने वाले हैं। मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं रिव्यू ऑफ स्पाइडरमैन नो वे होम का। तो जब मिस्टीरियो दुनिया को बता रहा था कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, तो पीटर पार्कर का अब जीना मुश्किल होगा, क्योंकि उससे अब हर जगह प्रेस का सामना कर पा रहा है, पुलिस का सामना, बीआई का सामना, हर चीज़ों का सामना उसे करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको ही सब दोषी मानते हैं, क्योंकि उसने ही ड्रोन से मिस्टीरियो को मारा था और मिस्टीरियो ने चालाकी से सब ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया था कि यही स्पाइडरमैन है और यही असली विलेन है। तो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी आगे ले चलता हूँ। उसके दोस्तों से भी, पीटर पार्कर के दोस्तों से भी अच्छी खासी पूछताछ हो रही है, जो पीटर पार्कर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब इन सबको ठीक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो टाइम स्टोन की मदद से इस टाइम को पूरी तरह से कन्वर्ट करके स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है या फिर पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इसको सबके जहन से खत्म करना चाहते हैं। पर अचानक होता यह है कि पीटर पार्कर ही इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कर देता है और वह अपनी चालाकी या फिर पीटर पार्कर की नादानी या फिर कमजोरी या फिर उसके जो बचपना था उसे समझ कर उसने गड़बड़ी हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज जो मंत्र पढ़ता है उसमें थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाता है और पूरा पूरा यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स चेंज होता है, एक अलग ही टाइम में वह रन करने लगता है। तो होता क्या है, मल्टी यूनिवर्स में जो एक बार हो जाता है वो उल्टा चीज़ें होने लगती हैं। तो उसमें से बहुत सी विलेंस होते हैं वो रिटर्न आ जाते हैं और बहुत से जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो खत्म हो जाती हैं। तो नए नए विलेंस आ गए हैं और आपको याद होगा कि 2002 वाले स्पाइडरमैन में एक और उसका पुराना दुश्मन स्पाइडरमैन का जो डॉक्टर ओटो था, जिसके पीछे से कुछ इस टाइप के एलिमेंट निकलते हैं। तो अब कहानी यहाँ पे जाके बहुत मज़ेदार होने वाली है कि स्पाइडरमैन जो मल्टी यूनिवर्स का सफ़र कर रहा है, अब कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ पूरी दुनिया को बचाएगा और कैसे खुद की पहचान को बरकरार रखेगा और कैसे एमजे और अपने दोस्त को बताएगा कि हाँ मैं ही स्पाइडरमैन हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं किया। तो इन सब चीज़ों के देखने के लिए आपको 17 दिसंबर का वेट करना है, क्योंकि इस मूवी को थिएटर में आने के लिए देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो दोस्तों अब इसका अभी 2-3 ट्रेलर और आने वाला है, क्योंकि आप जानते हो हॉलीवुड वाले कैसे कैसे ट्रेलर लॉन्च करते हैं। तो बस वीडियो में आज जितना ही। अगर हाँ दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक मिनट रुको यार, मैं कुछ अलग आपको बताने वाला हूँ। क्या डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं मिस्टीरियो नहीं? तो इस पर मेरी अगली वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट अगेन। यार वीडियो को लाइक कर दो, बड़ी मेहनत लगती है।